हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं स्किन वाइटनिंग के हवाले से आप दोस्तों की खिदमत में एक ऐसी अमेजिंग सी रेमेडी लेकर हाजिर हुआ हूं जो बहुत ही सिंपल, सादा और आसान है। और मजे की बात यह है कि आज की ये रेमेडी आप अपने घर पर बड़ी आसानी से तैयार करके अपनी स्किन को इंस्टेंटली गोरा बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलिए बना लेते हैं आज की ये अमेजिंग सी रेमेडी। तो व्यूअर्स, आज की रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको मुल्तानी मिट्टी की ज़रूरत होगी। आप 2 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी किसी खाली बाउल में डाल दें। उसके बाद 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल का आपने इसके अंदर ऐड करना होगा। और जो थर्ड और लास्ट इंग्रेडिएंट आपने इसके अंदर ऐड करना है वो है रोज़ वाटर। 2 से 3 चम्मच आपने रोज़ वाटर के इसके अंदर ऐड करने हैं और अच्छी तरह से आपने इसे मिक्सअप करना है। 10 या 15 मिनट तक आप इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें। मिक्सअप करने के बाद आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कर दें। फेस पर अप्लाई करने के बाद आप इसे 15 या 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर लें। आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि पहले ही रोज़ इस्तेमाल करने से आपके स्किन के अंदर जो डेड सेल्स थे वो रिकवर हो जाएंगे और आपके मसाम से जो गंदगी मैल थी वो भी निकल जाएगी और आपको इंस्टेंटली वाइट लुक नज़र आएगी। व्यूअर्स, अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और आपको कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। और इससे आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि चंद ही दिनों में आप इंस्टेंट लुक हासिल कर पाएंगे। आपकी जो खूबसूरती है वो दुगनी हो जाएगी और आप अपनी स्किन को बहुत ही जल्दी वाइट बना पाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की होम रेमेडी जो कि स्किन वाइटनिंग के हवाले से थी, आई होप जिन दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल उज़्मा हेल्थ सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही खड़े घंटे के निशान पर जरूर जोर दें ताकि ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड नई आने वाली वीडियोस आपको आसानी मिलती रहें। तो व्यूअर्स, फिल वक्त मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली ब्यूटी टिप्स के साथ, अगली होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।